रोहतक से पूर्व सांसद और वर्तमान में राज्यसभा सदस्य दीपेंद्र हुड्डा ने कुरुक्षेत्र जिले के लिए 10 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भेजे, जिसे कांग्रेस भवन में पूर्व मंत्री अशोक अरोड़ा, लाडवा से विधायक चौधरी मेवा सिंह सहित कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने आम और जरूरतमंद लोगों को समर्पित किया। उल्लेखनीय है कि दीपेंद्र हुड्डा पूरे हरियाणा में कोरोना के खिलाफ जन संघर्ष में सहभागिता निभाते हुए हर संभव सहयोग दे रहे हैं। इसी कड़ी में कुरुक्षेत्र में 10 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भेजे गए हैं। देखिए, पूरे देश के अंदर महामारी फैली, कोरोना की वजह से लाखों लोग अपनी जान गवा बैठे और एक किस्म के सरकार ने तो हाथ ही खड़े कर दिए थे। सरकार नाम की जैसे कोरोना में कोई चीज़ ही नहीं बची थी। लोगों को बेड नहीं मिल रहे थे, किसी को ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी, किसी को दवाई नहीं मिल रही थी, किसी को इंजेक्शन नहीं मिल रहे थे। तो ऐसे समय में लगातार कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी जी ने लगातार सरकार को सचेत किया, परंतु सरकार की तरफ से कोई भी बात नहीं रही और कांग्रेस पार्टी लगातार मदद कर रही है। कोरोना काल के अंदर लगातार लोगों के बीच में रही, जहां जिसको जो ज़रूरत थी उसकी हेल्पलाइन भी खोली गई, कोरोना रसोई का भी किया गया। और आज हमारे पार्टी के जो सांसद हैं भाई दीपेंद्र जी, तो लगातार पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर जहाँ जहाँ वेंटिलेटर नहीं है, जहाँ जहाँ ऑक्सीजन नहीं है, खासतौर पर ग्रामीणांचल में जहाँ CHC है, वहाँ ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भेजकर लोगों के आगे लोगों को दिक्कत ना आए, आज उन्होंने भेजा। आज कुरुक्षेत्र जिले के लिए 10 ऐसे ऑक्सीजन कंसंट्रेटर हमारे बीच में आए हैं, जो पेवा, कुरुक्षेत्र, थानेसर और आपका लाडवा और शाहबाद, सभी जितनी CHC हैं सब के अंदर जाकर हम सभी लोग ये उनकी मदद करेंगे एक मानवता के आधार पर, क्योंकि ये सबका फर्ज बनता है। और कांग्रेस पार्टी और भाई दीपेंद्र पूरी तरह से इसमें टीम में साथ है। उसमें पिछले दिनों जिस तरह से बहुत से मरीजों ने ऑक्सीजन की कमी में अपनी जान गंवाई, इस चीज़ को देखते हुए और जिस तरह से वैज्ञानिकों ने तीसरी लहर की भी घोषणा की हुई है, उस चीज़ को देखते हुए हमारे राज्यसभा के सांसद भाई दीपेंद्र हुड्डा जी ने तीसरी लहर की तैयारी के लिए पूरे हरियाणा में ग्रामीण अंचल में जितनी भी CHC हैं सब में ये ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भिजवाने के लिए आज कुरुक्षेत्र जिला में भी 10 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भिजवाए। ये सभी CHC में हमारे दीप टीम दीपेंद्र के सभी कार्यकर्ता जाकर SMO को वहाँ पर देंगे, ताकि आने वाले समय में ऑक्सीजन की कमी में कोई भी नागरिक अपनी जान न गंवाए। इसके लिए हम भाई दीपेंद्र हुड्डा जी का आभार प्रकट करते हैं, धन्यवाद करते हैं। क्या लगता है आपको, जैसे सरकार काम कर रही है तो जैसे आप विपक्ष के विधायक हैं तो कहीं दिक्कत तो नहीं आ रही इनकी जमें आपको? देखिए, पिछले दिनों चाहे वो कोरोना की महामारी थी, पहली लहर थी या दूसरी लहर थी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरी तरह से फेल साबित हुई है। कहीं पर भी ना हॉस्पिटलों में ऑक्सीजन थी, ना बेड मिल रहे थे, ना वेंटिलेटर थे, ना रेड टिक्के थे, सिर्फ सरकार ने एक ड्रामेबाजी करने का काम किया। आज जो सरकारी बिल्डिंग है, अस्पताल करोड़ों रुपए लग के खड़े हैं, जैसे बैंड में CHC की बिल्डिंग बनी हुई है, लेकिन उसमें SMO नहीं, कोई डॉक्टर का स्टाफ नहीं। गाँव में, स्कूलों में इन्होंने फोल्डिंग गेर गेर के और सरकारी पैसे का दुरुपयोग करने का काम किया। जब तक बेड वहाँ पर घेर दिया, वहाँ जब डॉक्टर नहीं, नर्स नहीं, दवाई नहीं, बेड घेरने का फायदा क्या? और कितने लोग वहाँ पर दाखिल हुए जाते, जब इनको अस्पताल में इनके पास दवाइयों नहीं है, बेड नहीं है, डॉक्टर नहीं है, तो गाँव में स्कूलों में चार पहिया घेरने का क्या फ़ायदा? सरकार पूरी तरह से फेल साबित हुई है, इसीलिए हज़ारों लोगों ने यहाँ अपनी जान गंवाई है। और उसी चीज़ को देखते हुए कांग्रेस पार्टी ने, भाई दीपेंद्र हुड्डा जी ने ये बीड़ा उठाया कि कम से कम हरियाणा के हर CHC में ग्रामीण लेवल के ऑक्सीजन का सिलेंडर पहुँचाए जाए। इस मौके पर पूर्व मंत्री अशोक अरोड़ा ने सरकार पर कोरोना वैक्सीनेशन में ढील बरतने का आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार सिर्फ और सिर्फ दावे कर रही है, जबकि हकीकत सच्चाई से कोसों दूर है। इस मौके पर लाजवा विधायक चौधरी मेवा सिंह ने भी सरकार की कोरोना को लेकर बनाई गई पॉलिसी की आलोचना की।